आखिर कितने जीबी का होता है इंसान का दिमाग? जय हिंद दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इंसान के दिमाग की कितनी मेमोरी होती है या फिर कितने जीबी तक का इसमें डेटा स्टोर हो सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंसान के दिमाग की मेमोरी अनलिमिटेड होती है। कभी आपने सोचा है कि हमारा दिमाग जीबी में डेटा स्टोर कर सकता है? अपने इस वीडियो में आज हम इसकी बात करेंगे और दोस्तों हमारे दिमाग के स्टोरेज को सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। प्रकृति ने इंसान को सबसे तेज दिमाग दिया है, जिससे वो हर चीज को आसानी से याद रखने के साथ ही सोचने की भी ताकत रखते हैं। लेकिन दिमाग की कई सारी ऐसी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं जिसके बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया। इसकी एक वजह ये भी है कि इंसान का दिमाग एक साथ कई सारे काम करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। किसी भी इंसान के चेहरे पर हाव भाव लाने का काम दिमाग ही करता है, जिसे आम भाषा में फीलिंग्स कहा जाता है। जब भी आप खुश होते हैं, आपका दिमाग आपके चेहरे पर अलग तरह का भाव उत्पन्न करता है, जिसे देखकर इस बात का पता लगाया जा सकता है कि इंसान का मूड कैसा है। इंसान के दिमाग की इकाई यानी यूनिट न्यूरॉन के रूप में होती है, जबकि कंप्यूटर स्टोरेज की इकाई बिट होती है। बिट 0 और 1 की फॉर्म में यानी ऑन और ऑफ की स्थिति होती है, जिसको हम बाइनरी नंबर भी कहते हैं, जो 0 और 1 के फॉर्मेट में होते हैं। जबकि न्यूरॉन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से करीब 1000 संपर्क स्थापित करते हैं। कंप्यूटर में स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग हार्डवेयर होते हैं, लेकिन दिमाग में ये दोनों काम न्यूरॉन का ही होता है। एक आम इंसान अपने दिमाग की केवल 512 MB का ही अपने पूरे जीवन में उपयोग करता है। हालांकि डॉक्टर और IAS अधिकारी 1 GB वे ग्रेट साइंटिस्ट 5 GB तक डेटा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कुल मेमोरी की बात करें तो इंसान अपनी पूरी जिंदगी में करीब 2 लाख GB डेटा, जी हाँ दोस्तों, 2 लाख GB डेटा का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इंसान अपने दिमाग को गलत जगहों पर लगाता है, जिसकी वजह से उसकी मेमोरी में कई सारे विकार उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे इंसान की दिमागी मेमोरी कम हो जाती है। अगर स्टोरेज की दृष्टि से देखा जाए तो कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम एक अनुमान लगाते हैं। हमारी आंख का कैमरा लगभग 576 मेगापिक्सल का होता है, इससे जो हम देखते हैं उसे ब्रेन स्टोर करता है। अब आप अपने फोन का वीडियो देखें और स्टोरेज स्पेस को देखें, अब आप रियल लाइफ की तस्वीरों की क्वालिटी देखें और साइज का अंदाजा लगाएं। अगर आपको कल पूरे दिन में से 1 घंटे का भी घटनाक्रम याद हो तो वो सैकड़ों जीबी का हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कुछ सुझाव है तो वो भी हमें बता सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।